तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि होली का त्यौहार समाप्त हो चुका है और अब अपने गांव, शहर, कस्बे से अन्य दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है, तो ऐसे में रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे फिर से एक बार विशेष रेलगाड़ियां चलाने जा रहा है। कल भी मैंने आपको वीडियो में कई ट्रेनों की जानकारी दी थी जो कि होली के बाद विशेष रेलगाड़ियों के रूप में संचालन उनका शुरू हुआ है। आज हम फिर से तीन नई ट्रेन के बारे में जानकारी लेकर आए हैं जो कि होली के उपरांत विशेष रेलगाड़ियों के तौर पर चलेंगी। तो आज हम एक एक करके उन तीनों रेलगाड़ियों की आपको जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि यह ट्रेनें कब संचालित होंगी, कहां कहां पर इसका ठहराव होगा। तो आप लोग भी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इससे पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दें जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। हमारी जो पहली ट्रेन है ये चलेगी आनंद विहार टर्मिनल से गया जंक्शन के बीच में, और जो हमारी आनंद विहार टर्मिनल से ट्रेन चलेगी इसको ट्रेन नंबर मिला है 04074, और यह ट्रेन आनंद विहार से 29 मार्च को शाम को 7:20 पर रवाना होगी और ये आपको गया जंक्शन 12 बजे आपको पहुंचा देगी। इस ट्रेन में सभी सामान्य श्रेणी के जो है डिब्बे लगाए जाएंगे और इसका जो ठहराव दिया गया है आनंद विहार टर्मिनल से चलने के बाद, यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, भभुआ रोड, सासाराम और डेहरी ऑन सोन स्टेशन पर ठहराव लेते हुए गया जंक्शन पर अपनी यात्रा समाप्त करेगी। वहीं जो हमारी दूसरी विशेष रेलगाड़ी है ये चलेगी नई दिल्ली से दरभंगा के बीच में, और नई दिल्ली से जो ये ट्रेन चलेगी इसको ट्रेन नंबर मिला है 04078, और यह ट्रेन 29 मार्च को नई दिल्ली जंक्शन से ये रात में 7:20 पर रवाना होगी और मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, बाराबंकी, गोरखपुर जंक्शन, नरकटियागंज, रक्सौल और सीतामढ़ी स्टेशन पर रुकते हुए दरभंगा ये आपको शाम को 6 बजे पहुंचा देगी। इस ट्रेन में भी सभी सामान्य श्रेणी के डिब्बे लगे होंगे। हमारी जो तीसरी ट्रेन है ये चलेगी भागलपुर जंक्शन से नई दिल्ली के बीच में, और नई दिल्ली से भागलपुर के बीच में हमारी जो भागलपुर से ट्रेन चलेगी उसको ट्रेन नंबर मिला है 034483, और यह ट्रेन भागलपुर से 30 मार्च को 11 बजे सुबह में रवाना होगी और अगले दिन आपको 7:10 पर नई दिल्ली पहुंचा देगी। वहीं यह ट्रेन नई दिल्ली से 31 मार्च को रवाना होगी सुबह 10:30 पर, और यह ट्रेन आपको सुबह 4:10 पर भागलपुर पहुंचा देगी। इस ट्रेन को जो ठहराव मिला है भागलपुर से चलने के बाद, यह ट्रेन सुल्तानगंज, बरियारपुर, जमालपुर जंक्शन, धरहरा, अभयपुर, कजरा, क्यूल जंक्शन, लखीसराय जंक्शन, बढ़हिया, हथीदा जंक्शन, मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, खुसरूपुर, फतुहा, पटना साहिब, पटना जंक्शन, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल पर यह ट्रेन रुकते हुए जाएगी, और इसमें सभी शयनयान श्रेणी के डिब्बे लगे होंगे। तो ये तीन ट्रेनें हैं जो स्पेशल ट्रेन के रूप में चलेंगी होली के बाद। अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी समझने में दिक्कत आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।